بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد سیف اللہ 100 بزنس کارڈ کے ڈیزائننگ کی سیریز کی یہ ویڈیو نمبر 24 تو میں ریکٹینگل ٹول سے سٹارٹ کروں گا اور اس کی سائز میں رکھوں گا 3.2 انچز اور 2 انچز اس ریکٹینگل کی میں ایک کاپی لوں گا کاپی اور پیسٹ اور میں اسے दोनों साइड से मैं करूंगा इसे ड्रैग तो मैं शिफ्ट को प्रेस करूंगा अब इस रेक्टेंगल की मैं एक और कॉपी लूंगा कॉपी और पेस्ट और मैं इसे करूंगा ड्रैग अरेंज में जाकर मैं करूंगा कन्वर्ट टू कर्व्स और मैं यहां पर शेप टूल के जरिए डबल क्लिक करूंगा और इसे करूंगा मूव कंट्रोल के साथ मैं इसे करूंगा मूव मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा रेक्टेंगल को मैं बाय डिफॉल्ट कलर दूंगा ब्लू और इस रेक्टेंगल को मैं कलर दूंगा बाय डिफॉल्ट वाइट और मैं इसकी आउटलाइन को खत्म करूंगा इस रेक्टेंगल की मैं एक और कॉपी लूंगा कॉपी और पेस्ट और मैं इसे थोड़ा सा ड्रैग करूंगा और मैं इसको कलर दूंगा अरेंज में जाकर मैं ऑर्डर में करूंगा बैक वन और मैं इस रेक्टेंगल की और कॉपी लूंगा एडिट में जाकर कॉपी और पेस्ट और मैं इसे थोड़ा सा रिसाइज करूंगा अरेंज में जाकर ऑर्डर में करूंगा बैक वन और एक दफा फिर अरेंज में जाकर बैक वन मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा इस रेक्टेंगल को मैं इसकी मैं आउटलाइन खत्म करूंगा अब मैं यहां पर नेम वगैरह को एडजस्ट करूंगा अरेंज में जाकर ऑर्डर में टू फ्रंट और मैं इसे थोड़ा सा रिसाइज करूंगा और यहां पर मैं कॉन्टेक्स्ट वगैरह को एडजस्ट कर रहा हूं अरेंज में जाकर मैं जाऊंगा ऑर्डर में टू फ्रंट और मैं इसे थोड़ा सा रिसाइज करूंगा मैं इन सब को सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करूंगा और यहां पर कंपनी नेम वगैरह को मैं एडजस्ट कर रहा हूं अब मैं इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके दोबारा रेक्टेंगल को मैं थोड़ा सा ऊपर की जानिब मूव करूंगा अगर आप चाहें तो यहां पर पिक्चर भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप पिक्चर नहीं चाहते तो फिर आप लोगों को यहां पर अरेंज में जाकर ऑर्डर में टू फ्रंट करें और इसे थोड़ा सा रिसाइज करें
इन सारे रेक्टेंगल्स की मैं इन सारे शेप्स की मैं कॉपी लूंगा, कॉपी और पेस्ट, और मैं इसे ऊपर की जानिब मूव करूंगा। अब मैं इसको मैं डिलीट करूंगा, इसको भी मैं डिलीट करूंगा और इसे मैं थोड़ा सा रिसाइज करूंगा। इन शेप्स की मैं कलर भी चेंज कर रहा हूं। तो ये था इसका फ्रंट और बैक साइड। आप मुख्तलिफ कलर्स ट्राई करके देख सकते हैं, जो भी कलर आपको मुनासिब लगे। ज़रूरी नहीं कि जो कलर मैं यूज़ करूँ आप खामखा वही कलर यूज़ करें, आप डिफरेंट कलर्स यूज़ करके देख सकते हैं। तो यह था हमारा ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें इसके ऊपर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।